वो मुगल जिसके सामने आधा हिंदुस्तान घुटने टेक चुका था, पर 150 साल की लगातार कोशिश करने के बावजूद मुगल आहोम साम्राज्य को कब्जा नहीं कर पा रहे थे, और ये चीज उनको कांटे की तरह चुभ रही थी। पर से 4 नवंबर 1667 को आहोम सेना ने गुवाहाटी और इटाकुली को कब्जा करके मुगलों को आसाम की धरती से निकाल ही दिया था। ये सुनने के बाद औरंगजेब ने राजा राम सिंह के नेतृत्व में 1 लाख की बड़ी सेना भेजी आसाम को कब्जा करने के लिए, और इससे शुरू हुआ सरायघाट की जंग की आगाज। आहोम सेना की कमान संभाल रहे थे लाचित बोरफुकन, और उनका साथ दे रहे थे प्रधानमंत्री अतन बुरागोहाई। लाचित बोर पहले से ही पता था कि आमने सामने की जंग में मुगल की बड़ी सेना आहोम सेना पे भारी पड़ सकती है, पर मुगलों की सबसे कमजोर कड़ी थी उनकी नेवी, और इसलिए लाचित ने पूरी जंग को एक नेवल बटल बनाने का स्ट्रेटेजी बनाया। आहोम अपने इलाकों से पूरी तरह से वाकिफ थे। गुवाहाटी के आसपास के इलाके पहाड़ों से घिरे हुए थे, और पहाड़ों के बीच में आहोम ने ट्रेंचेस यानी कि खाई और चौकी बना के घेराबंदी कर दिया था, जिससे दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक सके। और पांडु के सामने सरायघाट एक ऐसा जगह था जिसमें मुगल नेवी को रोका जा सकता था, क्योंकि वहां पे ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई बस 1 किलोमीटर की ही थी। मुगल ने आसाम पर 1669 के अप्रैल महीने में हमला शुरू कर दिया, पर आहोम सेना ऐसा घेराबंदी बनाया जिसको मुगल तोड़ नहीं पा रहे थे। पर अलावे के जंग में मुगल सेना ने आहोम के 10,000 सेना को मार दिया। ये देख के आहोम सेना का मनोबल पूरी तरह से टूट गया था। और तभी जंग जीतने के लिए लाचित बोरफुकन ने बनाई एक मास्टर स्ट्रेटेजी। आहोम्स ने बात छेड़ दी कि लाचित अलबोई के जंग में गहरी तरह से घायल हो चुके थे, और वो अब समझौता करना चाहते हैं। ये अफवाह चारों तरफ फैला रहे थे, और ये मुगल गुप्तचरों के कानों में जाके पहुंचा। ये सुन के मुगलों ने अपने मैसेंजर यानी कि दूत को समझौता करने के लिए इटाकुली फोर्ट, जहां लाचित ने अपना कैंप बनाया था, वहां उन्होंने उनको भेजा। और इसी दौरान आहोम ने चालाकी से अंदुरावाली के एरिया से अपना सेना हटवा दिया। ये देख के मुगलों को लगा कि इस जगह पे हम हमला कर सकते हैं, अगर गुवाहाटी को रिकैप्चर करना है तो। उनको लगा कि वो आराम से गुवाहाटी को रिकैप्चर कर सकते हैं अंदुरावाली के एरिया में अटैक करके, क्योंकि वहां आहोम के सेना बिल्कुल भी नहीं थे। ये खबर उन्होंने राम सिंह को भेज दिया। कुछ ही दिनों में मुगल सेना ने ब्रह्मपुत्र के उत्तर और दक्षिण बैंक में एक साथ हमला कर दिया। ब्रह्मपुत्र के उत्तर बैंक में आहोम सेना ने लालू बोरगोहाई फुकन के अगुवाई में मुगल सेना को तबाह कर दिया। ये देखकर राजा राम सिंह ने पूरी मुगल फौज को अंदुरावाली की ओर डाइवर्ट कर दिया। इसी दौरान लाचित ने आहोम नेवी के सारे शिप्स को एक ब्रिज की तरह रीअरेंज करके उत्तर से आहोम सेना के कुछ पलटन दक्षिण में भेज के अंदुरावाले का डिफेंस बढ़ा दिया, और नीलाचल पहाड़, अश्वगंधा हिल्स और इटाकुली हिल्स के ऊपर से मुगल शिप्स पर लगातार तोप और मस्केट से गोला बारूद बरसाते रहे। ऊपर से आहोम की स्थल सेना और नेवी ने मुगलों को तीनों तरफ से घेर लिया, और इसकी वजह से मुगल नेवी तहस नहस हो गई। जो बच गए वो रंगामाटी की तरफ पीछे हट गए, और इसी तरह मुगलों का आसाम कब्जा करने का सपना चूर चूर हो गया। अभी तक आप सुन रहे थे बैटल ऑफ सरायघाट की कहानी, जहां वीर आहोम सेना ने मुगलों के बड़ी टोली को हरा दिया था। आहोम सेना की वीरता का उतना प्रचार नहीं हुआ जितना होना चाहिए। मोहम्मद वाली अहमद, जो कि एक मुगल लेखक थे, उन्होंने भी अपने एक लेख में लिखा है कि एक आहोम सैनिक 10 मुगल सैनिकों को हरा सकती है। इसी बात से हमें आहोम सेना की वीरता और चतुरता का परिचय मिलता है। ऐसी अनोखी कहानी और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि दूसरों के पास भी आहोम सेना की ये बैटल ऑफ सरायघाट की कहानी पहुंच सके। इसी बात के साथ अनोखा टेल आज के लिए आपसे विदा लेता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो पे।